ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर आप कुछ समय से स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्श अवश्य करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने का योग है जिससे परिवार में खुशियों का आगमन होगा। कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है और आपके कार्य की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हाथ से निकल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अपने भाइयों के साथ संबंध मधुर बना करके आपको रखना होगा। और उपाय के रूप में छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर न करें। गुप्त रूप से कार्य करने पर आशातीत सफलता आपको प्राप्त होगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। घर की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यों में खर्चा बेतहाशा बढ़ सकता है जिससे आपका मासिक बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए सावधान रहे क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ेगा। और उपाय के रूप में यदि आप घर के मंदिर में कोई भी पीले रंग की मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज भाग्य आपके पक्ष में है, कोई राजनीतिक उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आमदनी में वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके राजनीतिक रुतबे का नाजायज फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है जिसकी वजह से आपको मान हानि हो सकती है। छवि को साफ सुथरा बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद इलायची खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज कोई नजदीकी महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हो सकती है तथा मनोरंजन संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। स्थायी संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है और वाद विवाद किसी से न करें अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने पर कोई प्रमोशन मिल सकता है। व्यावसायिक स्थल पर भी सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। योजनाओं को हर किसी के समक्ष जाहिर न करें, गुप्त आपकी योजनाओं को रखना चाहिए। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर परिवार में कोई सुधार संबंधी योजना आप बना सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। बच्चों की पढ़ाई की तरफ आपका पूर्णतः ध्यान बना रहेगा तथा संतान संबंधी कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। घर परिवार में कोई नया या शुभ कार्यक्रम शुरू हो सकता है। घर में विवाह आदि की चर्चा या योजना आप बना सकते हैं। कोई विशेष उपलब्धि जैसे पदोन्नति या व्यापार में उन्नति का योग भी आपके साथ बन सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पिंक होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह काम आज बड़ी आसानी से और आपके मनोनुकूल तरीके से हल हो जाएगा। नए कपड़े, नए आभूषण, नई वस्तु खरीदने की आप योजना बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले उसके सब पहलुओं पर अच्छी प्रकार से सोच विचार कर योजना बनाए, बाद में उसे क्रियान्वित करें। आज सारा समय घर के बाहर ही मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपका व्यतीत होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को अत्यधिक ध्यानपूर्वक करे क्योंकि गलती की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं, परंतु व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। और उपाय के रूप में गाय को हरी घास या हरी सब्जी खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा।
अब हम बात करते हैं तुला राशि की। समय व्यस्तता वाला है, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना के न करें। घर परिवर्तन संबंधी कोई कार्य योजना आपकी तैयार हो सकती है। कहीं से कोई सुखद समाचार आपको मिलने वाला है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो जाएगा। रुका हुआ पैसा नई नौकरी या फिर नए व्यापार का आपके लिए योग बनने वाला है। घर परिवार में कोई खुशियों का आगमन होगा तथा नए वाहन, नई भूमि या नया घर खरीदने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। पदोन्नति आपकी हो सकती है और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज निवेश संबंधी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। किसी संतान की आमदनी होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। आध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच में यह ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों की सेवा में कोई कमी नहीं आए और उनका अपमान बिल्कुल न करें। अपने स्वभाव को जिद्दी बनाना आपका नुकसानदायी हो सकता है, इसलिए स्वभाव को लचीला रखना चाहिए और मामा पक्ष से संबंध खराब न होने दें। और उपाय के रूप में मीठा दही यदि आप किसी भी मंदिर में दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका क्रीम होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा, जैसे आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। आमदनी और खर्च में समानता बनी रहेगी। अगर कोई स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो आज उन कार्यों को बनने की पूर्ण संभावना है। कभी कभी बहुत अधिक सोचने और योजनाओं में भी उलझे रहने से बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। ज़्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। और उपाय के रूप में घर के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिवार में किसी के विवाह या सगाई संबंधित मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। संतान को विदेश संबंधी उपलब्धि मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात लाभप्रद सिद्ध होगी और योजना बनाकर यदि आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे तो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता मिलने का आपको योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति या परिवर्तन का योग बन रहा है और बहुत ज़्यादा अनुशासित तरीके से आपको काम करना लाभप्रद सिद्ध होगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आप सभी काम योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे, इसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग बहुत समय से अपने कैरियर को लेकर संघर्षरत थे, उन्हें आज कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। बहुत अधिक सोच विचार करना व उसमें अधिक समय लगाना आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के कार्यों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद थोड़ा सा जो है इलायची या लौंग खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपने कार्य को तरीके के साथ करके अपने लक्ष्य के निकट आसानी से पहुंच जाएंगे। सुख सुविधा संबंधी सामान की खरीदारी होगी। आपका सहज स्वभाव समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। इन संपर्कों से लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बच्चों को छोटी छोटी बातों में डांटना उनके मनोबल को जो है कमजोर कर सकता है, इसलिए आप ज़्यादा उनके ऊपर अंकुश न लगाएं। और उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।